गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आव्यूह का सेकंडेज एवं व्युत्क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र देखें कि एडजॉइंट या सेकंडेज क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखें कि एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 3x3, ठीक है। इसका एडजॉइंट क्या होता है, a11 a12 a13। तो हमने एडजॉइंट को फैक्टर आपको बताया था बच्चों को कि a11 ये क्या है, आपका को फैक्टर ऑफ a11। तो a11 का को फैक्टर कैसे निकालते थे, आपको हमने बताया था कि -1 की पावर 1 प्लस 1। तो a11 यहां पर ये दिया है, इसके हम एक पंक्ति के और स्तंभ के अवयवों को अलग कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका a22 a23 a32 a33, ठीक है। इसी प्रकार से a12 क्या हो जाएगा, को फैक्टर ऑफ a12 -1 की पावर 1 प्लस 2, इसके सफिक्स का योग हम -1 की पावर कर देंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, a12 आपका ये वाला है, तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे, बाकी अवयव आ जाएंगे आपके a21 a23 a31 a33, ठीक है। तो इसमें इसी प्रकार से आपको जैसे हमने a11 निकाला है, इस जितने भी कोफैक्टर्स हैं a11 a12 a13, ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स के रूप में रख करके उसका परिवर्त निकालेंगे, यानी आपको रखने के बाद इसका ट्रांसपोज करना है। जैसे आपने एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज है, ये पंक्तियां हैं तो हमने क्या किया, स्तंभ में बदल दिया। तो पहले आप कोफैक्टर की वैल्यू रखेंगे और फिर उसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होता है आपका a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, आपको जो पंक्ति जो दी है उसको आप क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे। तो पंक्ति को कॉलम में बदलो, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 33, तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। तो ये इसकी मेथड है एडजॉइंट निकालने की। अब हम इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से करके देखते हैं। अब इसमें हमको पहले क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालना है, तो इसके लिए मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 1 2 3 4, तो सबसे पहले हम उसके को फैक्टर निकालेंगे। a11 क्या होगा आपका को फैक्टर, पहले रो पहले कॉलम 1 है, तो 1 की पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 4, वैल्यू 4 आ जाएगी, क्लियर। फिर हम निकालेंगे a12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, और 1 2 पर 2 है, तो उसकी पंक्ति और कॉलम को छोड़ेंगे, यहां 3 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा -3। इसके बाद a21 -1 की पावर 2 प्लस 1, और 2 1 पर 3 है, तो 3 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, यहां 2 आएगा, इसका मान आएगा -2। a22 -1 की पावर 2 प्लस 2,
और टू टू पर क्या है आपका फोर, तो फोर की पंक्ति और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपका वन, ये वन रहेगा। ठीक है, अब हमको एडजॉइंट ऑपरेटर फाइंड करना है, तो हम इसके को फैक्टर रख देंगे, ए वन वन को फैक्टर, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अभी आपने मान निकाले हैं, ए वन वन का मान कितना है फोर, ए वन टू का मान कितना है माइनस थ्री, ए टू वन का मान माइनस टू, और ए टू टू का वन, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे आप? पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति बदल देंगे। तो ये वाली आपकी पंक्ति है रो, इसको स्तंभ बना दो, फोर माइनस थ्री, और ये सेकंड पंक्ति माइनस टू वन, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। क्लियर? इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, तो सेकंड के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आपको इसका ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? यह जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ करना क्या रह गया कि ए वन वन फाइंड करना है, ए टू वन, इसके को फैक्टर फाइंड करना है। तो को फैक्टर के लिए हमने आपको जो मेथड बताई है, जैसे कि ए वन वन निकालना आपको, तो कैसे निकालोगे? माइनस वन की पावर वन प्लस वन, और ए वन वन के यह ए वन वन है, तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा? इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, यहां क्या बचेगा आपको? माइनस वन की पावर वन प्लस हो जाता है, और यहां आ जाएगा थ्री फाइव जीरो वन। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? थ्री इंटू वन थ्री, और माइनस फाइव इंटू जीरो जीरो, कितना हो गया आपका? थ्री। तो ए वन वन में मान आपका क्या आ जाएगा? थ्री। इसी प्रकार से आपको ए टू वन, ए थ्री वन, और ये सभी फाइंड करके मान रख देंगे, तो आपका को फैक्टर हो जाएगा। तो हमने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, दूसरा वाला आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। अब हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अंतर समझेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं आप व्युत्क्रमणीय, कब होगा? एक मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय होगा यदि इसका सारणिक जीरो हो। ठीक है, और मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय को इंग्लिश में नॉन सिंगुलर बोलते हैं, होगा यदि इसका सारणिक नॉन जीरो हो। तो दोनों में अंतर देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब सारणिक उसका जीरो हो, और नॉन सिंगुलर कब होगा? जब उसका सारणिक नॉन जीरो। दोनों में अंतर आ गई, मैट्रिक्स जो है उसके हमको सारणिक निकालेंगे, यदि सारणिक जीरो आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सारणिक यदि नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये दोनों में अंतर ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। हम अब अगला आते हैं क्वेश्चन पर,
हमको इन मैट्रिक्स के व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम का यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे क्वेश्चन में हम फिफ्थ का क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, इसमें हमको a बराबर दिया हुआ है 2 - 2 = 3, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमको एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, a11 का कोफैक्टर, a11 का कोफैक्टर क्या होगा आपका 3, a12 इसके सामने 4 है तो यहां -4, a21 -2, और माइनस चूंकि सफिक्स 21 सफिक्स का योग ऑड नंबर है इसलिए यहां पर माइनस आएगा, तो -2 है और माइनस माइनस +2, और 22 पर 3 है और 3 की पंक्ति और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल 3 - 4 = 2, ठीक है। इसके साथ में हमको सारणिक ज्ञात करना पड़ेगा, ए का सारणिक, ए का सारणिक कितना होगा 2 - 2 = 4 और 3, इसको सारणिक को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस 4 - -2, कितना हो गया, यहां पर माइनस आएगा, माइनस तो कितना हो गया आपका 6 + 8 = 14, क्लियर। अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 1/14, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपका 3 - 2 - 4 = 2, ये आपका ए इनवर्स है। तो आपका आंसर जो है, आंसर में ए इनवर्स बराबर, ठीक है, चाहे तो 14 को अंदर ले जाओ, चाहे इसी तरह से लिखा रहने दे 3 - 2 - 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चंस को भी करके देखिए, इनवर्स ज्ञात करिए। तो इसी में आपको पहले एडजॉइंट ज्ञात करना है, फिर उसका सारणिक ज्ञात करना है, और एडजॉइंट में और सारणिक को उसको डिवाइड करके आपको इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चन करिए इसी तरह से। थैंक यू।